गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी गाइस? आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एंड जो है एग्जाम में बहुत ही प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड सबसे पहले तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स में शेयर कर सके ताकि आपके सिवा कोई और भी इसे देख सके। ओके, और यूट्यूब चैनल को पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की? देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 10%, 7%, 5% या फिर 4%। इसका आंसर आपको बता दें गाइस, इसका आंसर होगा 4%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4%। हिमाचल प्रदेश में जो है लगभग 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का घोषणा की हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अभी 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, यह पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को माना जाता है। सरकार के आंकड़े के अनुसार 31 मार्च 2017 तक राज्य में 1,75,000 से अधिक रेगुलर कर्मचारी थे। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आओ। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज का चेन्नई में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, सी के नायडू, गुणप्पा विश्वनाथ, वीपी चंद्रशेखर, रॉबिन उथप्पा। आंसर जल्दी से गेस करके कमेंट करें, फिर हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखो गाइस, इसका आंसर आपको बता दे वी बी चंद्रशेखर। ओके, वी बी चंद्रशेखर यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तमिलनाडु की तरफ से क्रिकेट खेलने वाले वी पी चंद्रशेखर को एक विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता था। चंद्रशेखर ने रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए 1988 में महज 56 गेंद पर धुआंधार शतक जमाया था। यह उस समय फास्ट क्लास क्रिकेट में भारत की तरफ से लगाया गया सबसे तेज शतक था। चंद्रशेखर ने भारत के लिए 7 वनडे और 81 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए, किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है किसी एक दशक यानी कि 10 वर्ष जो है में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? कौन से, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन या फिर रोहित शर्मा? आंसर जल्दी से सोच कर कमेंट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो गाइस, इसका आंसर जैसे कि आपको बता दें, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विराट कोहली। जी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विराट कोहली ने तीनों प्रारूपों से मिलकर जो है 20,502 रन बनाए और विराट कोहली ने जो है टेस्ट तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय में साल 2010 में पदार्पण किया था। उन्होंने वनडे में साल 2008 में ही पदार्पण किया था। एक दशक में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के रिकॉर्ड में विराट कोहली के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का नंबर आता है। रिकी पोंटिंग ने 2000 के दशक में 80,962 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है हाल ही में किस देश ने जून 2020 तक देश के सभी शांति सैनिकों को वापस बुलाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध किया है? अल्जीरिया, सूडान, तुर्की या फिर म्यांमार? उत्तर जल्दी से कमेंट करें।
अब देखिए इसका आंसर आपको बता दूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुडान। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सुडान ने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सैनिक की वापसी पर लगी रोक हटाने का अनुरोध करते हुए यह कहा है कि जो है सुनिश्चित करने की मांग की है कि जून 2020 तक शांति रक्षक दारफूर से चले जाएं। संयुक्त राष्ट्र में सुडान राजदूत उमर मोहम्मद सिद्दीकी ने सुरक्षा परिषद से कहा कि समय दारफूर में शांति विरक्षण का नहीं बल्कि शांति स्थापना किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहले कहा गया था कि 30 अक्टूबर तक इन सैनिकों को दारफूर में रहना होगा। फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव, देखो किस राज्य के मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में जो है नीलगिरी टहर की संख्या में पिछले 3 वर्ष में 27% की वृद्धि हुई है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात। इसका आंसर आपको बताएं, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। जी हाँ आंसर होगा तमिलनाडु। नीलगिरी तहर को जो है नीलगिरी आइबेक्स या सिर्फ आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2016 से इनकी जो है संख्या में 132 की वृद्धि हुई थी। नीलगिरी तहर की संख्या में वृद्धि का कारण पर्यटकों की आवाजाही पर रोक, शिकार पर नियंत्रण। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे साल 1986 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अफगानिस्तान ने किस देश को जो है 224 रनों से हरा कर विदेश में पहली को टेस्ट जीत दर्ज की है। देखो इसका आंसर आपको बता दे, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसका आंसर आपको बताएं, बांग्लादेश। जी हाँ इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अफगानिस्तान टीम का जो है यह तीसरा टेस्ट अफगानिस्तान के राशिद खान कप्तान और डेब्यू करते हुए अर्धशतक लगाने और 10 या उससे अधिक विकेट लाने के वाले पहले खिलाड़ी बन गए। सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन, हाल ही में किस राज्य के आनंद विभाग यानी हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ने एक टाइम बैंक स्थापित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर गेस करके आप कमेंट करें। देखो इसका आंसर आपको बता दें, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, इस टाइम बैंक के जरिए आर्जी समय के उपयोग के बिना जो है किसी कागजी मुद्रा का भुगतान किए किसी कौशल को जो है सिखाने हेतु किया जा सकता है। यह सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अप्रयुक्त सामाजिक क्षमता को जोड़ने का एक नया तरीका है। शुरुआत में स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से विभाग के साथ पंजीकृत 50,000 स्वयंसेवक सामुदायिक स्तर के जो है बैंक बनाएंगे। एट क्वेश्चन नंबर एट, आइए एयर इंडियन अपने यात्रियों के लिए किस सेवा नामक योजना की शुरुआत कर रही है। जन सेवा, नमस्कार सेवा, साझा सेवा या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी कि नमस्कार सेवाओं के। इस सेवा के माध्यम से जो है एक एयरलाइन कर्मचारी हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार से लेकर यात्रियों की विमान और सीट तक पहुंचने में सहायता करेगी। इससे पहले ऐसी सेवा सिर्फ एयर इंडिया के बिजनेस क्लास के यात्री के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब यह सभी के लिए उपलब्ध होगी। जल्द ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस सेवा को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा। नमस्कार सेवा यात्रियों को मामूली शुल्क पर दी जाएगी। यह सेवा योजना विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन आओ। महाराष्ट्र की ग्रामीण सड़कों को पक्का कर राज्य में संपर्क ढांचा बनाया बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीपी कितने करोड़ डॉलर का ऋण देगा? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या फिर 40 करोड़ डॉलर? जल्दी से उत्तर कर जो है आप कमेंट करके बताइए, और जो है मेरे क्वेश्चंस बोलने के बाद जो है ऑप्शंस के बाद बताने के बाद जो है आप तुरंत आंसर कमेंट कर दिया करेंगे। देखो इसका आंसर आपको बता दो, इसका आंसर होगा 25 करोड़, सॉरी 20 करोड़ डॉलर। ओके जी, 20 करोड़ डॉलर। समझौते का उद्देश्य महाराष्ट्र के 34 जिलों की ग्रामीण सड़कों को पक्की सड़कों में परिवर्तित करना है, ताकि सड़क सुरक्षा तथा बाजारों और सेवाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क ढांचा बेहतर हो सके। 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, बीसीसीआई ने साल 2014 में ललित मोदी को अध्यक्ष चुनने के बाद किस क्रिकेट एसोसिएशन पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया है? झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? इसका आंसर आपको बता दे गाइस, राजस्थान क्रिकेट। जी, प्रतिबंध हटाने के बाद जो है अब आरसीए में चुनाव की घोषणा भी हो गई है। आरसीए के चुनाव 28 सितंबर से पहले आयोजित कराने, इस फैसले के बाद अक्टूबर से पहले बीसीसीआई के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 28 सितंबर तक चुनाव संपन्न कराने होंगे। 11, पूर्व चैंपियनशिप मीराबाई चानू किस देश में 18 से 27 सितंबर तक होने वाले भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में भारत की 7 सदस्यीय टीम में अगुवाई करेंगी? ऑप्शन है थाईलैंड, चीन, रूस या फिर जापान? आंसर कमेंट करें जल्दी से। देखिए इसका आंसर आपको बता दे, थाईलैंड। जी हाँ, इसका आंसर होगा थाईलैंड। ओके, विश्व चैंपियनशिप टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट थाईलैंड में अभ्यास कर रही टीम के चार चार महिलाओं और 3 पुरुष शामिल हैं। मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता एवं कथक डांसर का मुंबई में निधन हो गया? फैसल खान, अरुण सचदेवा, वीरू कृष्णन या फिर अमित कुमार? इसका आंसर आपको बताएं, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, यानी कि वीरू कृष्णन। जी हाँ, वीरू कृष्णन ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वे एक अभिनेता होने के कारण जो है बहुत ही अच्छा कथक डांसर भी थे। वे एक कथक गुरु के साथ अकेले हम, अकेले तुम, राजा हिंदुस्तानी और इश्क में निभाए अपने किरदारों के लिए जाने जाते थे। और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड वन डे टीम के कप्तान जेसन होल्डर और T20 टीम के कप्तान कॉलिन्स ब्रैथवेट को हटाते हुए उनकी जगह किसे टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई? कायरन पोलार्ड, क्रिस गेल, साई होप या फिर इवन लुइस? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप उत्तर दें, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका आंसर आपको बता दें मित्रों, इसका आंसर होगा कायरन पोलार्ड। जी हाँ, कायरन पोलार्ड जो है ने वेस्टइंडीज के लिए 101 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 26 के औसत 2,289 रन बनाए हैं। पोलार्ड ने 3 वनडे शतक और 9 अर्धशतक लगाए। 62 T20 जो है मैच का अनुभव भी है, जिसमें उन्होंने 903 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और किस देश के बीच छठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु
नेपाल, रूस, चीन, जापान। देखो इसका आंसर आपको बताओ, इसका आंसर होगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत चीन के बीच जो है आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। भारत चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता के दौरान 6 कार्य समूहों में व्यावहारिक और परिणाम उन विचार विमर्श किया गया। भारत चीन महत्वपूर्ण और आर्थिक क्षेत्र वार्ता में दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश की समीक्षा के लिए महान विचार विमर्श किया है। सो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और वीडियो और क्वेश्चंस के साथ। आप हमारे जो है इस यूट्यूब चैनल PVR स्टडी को सब्सक्राइब करें, इसे इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड इसे लाइक करना ना भूलें। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू क्लास।